बिग बॉस सीजन 17 के रीसेंट एपिसोड की सारी खबरें देखिए इस वीडियो में। अनुराग अंकिता से कहते हैं कि वो ऐसे शो में नहीं रह सकते जिसमें उनके फैमिली को ड्रैग किया जाता है। वो ये भी कहते हैं कि उन्हें वॉलंटरी एग्जिट लेनी है। अंकिता कहती हैं कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको वॉलंटरी एग्जिट लेनी है तो उसके लिए 2 करोड़ रुपए देने होंगे एज फाइन। अगर दे सकते हो तो चले जाओ गेम से। विकी अनुराग को समझाते हैं कि तुम्हें जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बिग बॉस घर वालों से कहते हैं कि कल हुए रूम्स में बदलाव की सभी रिक्वेस्ट पर सोचा गया है। वो सभी घर वालों को रूम्स में जाकर वहां लगी लिस्ट से पता लगा लें कि किस किस की कौन सी शफलिंग हुई है। गाइज अब हम आपको ये बता दें कि अब से दिल के रूम में रहेंगे मुनव्वर, मनारा, अभिषेक, समर्थ, ईशा और अंकिता। अंकिता इस बात से परेशान हो जाती हैं कि अब से विकी और उन्हें अलग अलग रूम्स में रहना होगा। वहीं दिमाग के रूम में रहेंगे अनुराग, सनी, अरुण, सना और विकी। ये सब मेंबर्स दिमाग रूम में आकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। विकी कहते हैं कि अब गेम में मज़ा आएगा। बिग बॉस तभी टोंट मारते हुए अंकिता से कहते हैं कि आप विकी के रूम से जाने पर दुखी हैं, लेकिन विकी बहुत खुश हो रहे हैं। नील, ऐश्वर्या, खानजादी, जिग्ना, रिंकू और नाविद जाते हैं दम के रूम में। विकी अंकिता से बात करने आते हैं, लेकिन अंकिता नाराज होकर उन्हें भला बुरा बोलने लगती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं अपसेट हूँ। विकी उन्हें समझाने का ट्राई करते हैं, लेकिन अंकिता नहीं सुनती और कहती हैं कि मैंने तुमसे शादी करके गलती कर दी है, तुम एक अच्छे हस्बैंड नहीं हो। दोनों के बीच जमकर आर्ग्यूमेंट होता है। सना किसी बात पर मनारा से कहती हैं कि तुम जब भी लगे अपना स्टैंड लेना। मुनव्वर अंकिता से कहते हैं कि मुझे सना पर बहुत गुस्सा आ रहा है, उनकी प्रेजेंस अनबियरेबल है। अंकिता कहती हैं कि तुम सना को इग्नोर करो। विकी और अंकिता के बीच लगातार चल रही फाइट को देखकर मुनव्वर अभिषेक से कहते हैं कि विकी के लिए आज की रात काफ़ी लंबी होने वाली है। अभिषेक कहते हैं कि इन दोनों को ये सब आने से पहले ही सोचकर आना चाहिए था। अनुराग कुछ घर वालों से अपनी डिसअपॉइंटमेंट शेयर करते हुए कहते हैं कि मेरी पॉपुलैरिटी को TRP के लिए यूज़ किया जा रहा है। वो कहते हैं कि मेरी ब्रो सेना का बार बार नाम लेकर उसको मॉक किया जाता है। बिग बॉस अनुराग को कन्फेशन रूम में बुलाकर उनकी बातचीत घर वालों को दिखाते हैं। अनुराग बिग बॉस से कहते हैं कि ब्रो सेना का नाम बार बार ना लिया जाए। इस पर बिग बॉस कहते हैं कि ये नाम घर में आप ही ने लेना शुरू किया था। अनुराग हर वीकेंड के वार पर होती मौकरी पर भी सवाल उठाते हैं। उनकी इस बातचीत से सब घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं। अंकिता और अभिषेक के बीच ड्यूटीज को लेकर बहस हो जाती है। अभिषेक कहते हैं कि अंकिता काम से बचती हैं और बहस में अंकिता अभिषेक को मिडिल फिंगर दिखा देती है। विकी अंकिता को समझाते हैं कि तुम्हें लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। सो गाइस, ये थी कल के एपिसोड की कुछ खास हाइलाइट्स। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की और भी वीडियोस देखने को मिले तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल जस्ट शोबिज़।